चलिए दोस्तों एनालाइज करते हैं आज श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का पहला T20 मैच जो कि खेला गया और श्रीलंका को किस तरीके से मैच से हाथ धोना पड़ा कंप्लीट, उसके बारे में एनालाइज करते हैं और आप सबको भी बताते हैं। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है चैनल के ऊपर पे, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें। अगर आप श्रीलंका क्रिकेट के बहुत ही बड़े फैन हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्रीलंका क्रिकेट के हवाले से एक प्यारा सा कमेंट आपने जरूर लिखना है कि श्रीलंका की टीम ये मैच को कैसे जो है लॉस कर गई। इतनी अच्छी बैटिंग करने के बावजूद श्रीलंका ने सबसे पहले क्या किया, टॉस जीता और पहले बैटिंग करी, बैटिंग में जबरदस्त बैटिंग करी। उस साल ब्रिटिश ने 79 रन स्कोर करे जो कि टॉप स्कोरर पूरे मैच के रहे। फिर उसके बाद निरोशन डिक्वेला ने 33 रन बना के अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए, मगर फिर भी श्रीलंका का जो स्कोर जो पहुंचा दिया इन दोनों ने 174 रन के ऊपर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर में श्रीलंका का स्कोर 174 हुआ। मगर बात करें इधर सबसे पहले न्यूजीलैंड की बॉलिंग की तो न्यूजीलैंड की बॉलर्स का जो है बहुत ही ज़्यादा जो है भार पड़ी, खास करके जो डेब्यू कर रहे थे सेट रेस, 4 ओवर में 58 रन उन्होंने दे दिए। फिर उसके बाद अगर बात करें इस सोनी की तो 3 ओवर से करवाए गए 23 रन उन्होंने दे दिए। फिर क्वालिटी गेन होम की अगर बात करें तो 3 ओवर उन्होंने उनसे करवाए 31 रन उन्होंने दिए। लेकिन जो सबसे बेस्ट बॉलर जो रहा वो टीम साउदी सक्सेसफुल बॉलर थे, 4 ओवर के अंदर में 20 रन सिर्फ दे के 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और जिम्मेदाराना बॉलिंग करी क्योंकि वो कैप्टन थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं अब न्यूजीलैंड की बैटिंग की। न्यूजीलैंड की बैटिंग तब जो ओपनर जो पेयर है मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मनरो इस वक्त बिल्कुल जो है आउट ऑफ टच, आउट ऑफ फॉर्म के अंदर है, बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से जो है न्यूजीलैंड को वर्ल्ड कप से देखा जा रहा है 2019 के। मार्टिन गप्टिल हो या कॉलिन मनरो हो, न्यूजीलैंड के जब बैटिंग करने आते हैं तो अच्छी फॉर्म का मुजाहरा नहीं करते, जल्दी आउट हो जाते हैं। लेकिन इधर दाद देनी पड़ेगी क्वालिटी ग्रैंड होम जो कि 44 रन बनाए और रॉस टेलर 48 रन उन्होंने बनाए। स्ट्राइक रेट 157 का क्वालिटी ग्रैंड होम का और रॉस टेलर का 165 का। और जो फिनिश किया वो डैरिल मिचेल और मिचेल सेंटर ने फिनिश किया, 25 रन उन्होंने स्कोर किए और 14 रन मिचेल सेंटर ने स्कोर किए। अब बात करते हैं श्रीलंका ने मैच कहाँ पे लूज किया। तो दोस्तों शिहान जयसूर्या जिनसे 1 ओवर करवाया गया 10 रन दे दिए और उसके बाद अगर बात करें तो कासुन राजीता 4 ओवर उनसे करवाए गए 44 रन उन्होंने दे दिए। इस बदौलत जो ये जो दो जो बॉलर थे इनकी वजह से मैं समझता हूँ कि श्रीलंका को मैच से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि अगर लसित मलिंगा जो कि कैप्टन है उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो 4 ओवर उन्होंने करवाए जरूर, 23 रन दे के 2 विकेट्स उन्होंने हासिल भी करी। 3 ओवर अकेला धनंजिया से कराए गए, 3 ओवर 30 रन दे के 1 विकेट उन्होंने हासिल करी। लेकिन जो दो जो प्लेयर्स थे जो बॉलर थे शिहान जयसूर्या और कासुन राजीता इनकी वजह से श्रीलंका जो है ये मैच से हाथ धोने पड़ गए, जिसकी वजह से श्रीलंका ये मैच हार गया। तो उम्मीद करते हैं कि श्रीलंका आज की जो इस परफॉर्मेंस से जो है आगे कुछ सीखेगा और अगले T20 मैच के अंदर वापसी करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।